ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में, या मैं कहूँ हम बात करने वाले हैं द डेड मैन के बारे में, क्योंकि इस एपिसोड में हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्या अंडरटेकर सच में मर जाया करते थे। हमने कई बार WWE की स्टोरी लाइन्स में देखा है कि अंडरटेकर ने मरने के बाद अपना रिटर्न किया है, तो क्या ये बात सच है? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो यार, ऐसा कभी एक दो बार नहीं, कई बार हुआ है जहाँ मैं आपसे बात करूँ 1994, 1996, 1998 में ऐसा कई बार हुआ है जहाँ पर अंडरटेकर ने अपना मरने के बाद रिटर्न किया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर मैं आपसे एक बात में, एक सेंटेंस में इसका आंसर बताऊँ तो वो है नहीं। तो यार, मैं तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला ही नहीं था, लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि क्या अंडरटेकर और उनके इन भाई हैं, तो वहाँ पर भी मुझे कमेंट्स में और अलग अलग वीडियोस में बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्या अंडरटेकर सच में मर जाया करते थे। तो यार, ये बात तो बिल्कुल सिंपल है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अंडरटेकर भी तो एक ह्यूमन ही है। लेकिन WWE ने अंडरटेकर को एक ऐसा करेक्टर बना रखा था कि उन पर ये स्टोरी लाइन बिल्कुल सूट करती थी, तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि शायद ये बातें सच हैं। अंडरटेकर का कैरेक्टर ही इतना यूनिक था कि उन्हें WWE की ये सारी डरावनी स्टोरी लाइन वो उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से निभा देते थे, तो इस वजह से काफ़ी सारे फैंस को ऐसा लगता था कि शायद ये बातें बिल्कुल सच हैं। तो ये गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, इसके अलावा कमेंट भी बताना कि क्या आप ऐसा सोचते थे। वैसे मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा सोचता होगा, लेकिन मैंने उन कमेंट्स की वजह से ये वीडियो बनाई। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी WWE की हिंदी अपडेट्स मिलती रहें जो बातें आप जानना चाहते हैं। So see you guys in my next video.